कुछ दिन कबल इसी प्रोग्राम में हमने आपको कराची के आसिम जावेद के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई। आसिम जावेद एक अनोखी और हैरत अंगेज खुदादाद सलाहियत के मालिक है। ये सलाहियत क्या है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। जी बताइएगा कैसे हैं आप, क्या ये सलाहियत के बारे में हमें आप खुद बताइएगा। सर ये मैं अल्लाह ताला का बहुत गिफ्ट हूँ कि जिन्होंने मुझे मतलब ये अंदर अपनी सलाहियत मेरे अंदर रखी। बेसिकली सर मैं सिर्फ टकरा नहीं रहा, मैंने दुनिया को ये शो कराना है कि मेरे अंदर जो एबिलिटी है वो उसमें मेरे हैंड, मेरे आइज कंसंट्रेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे कंट्रोल में है। असल में सर जब दुनिया में हैरत अंगेज गोरे जो हैं रिकॉर्ड बना सकते हैं सर, तो हम सर एज अ पाकिस्तानी एज अ मुसलमान सर घंटों को रिकॉर्ड क्यों नहीं बना सकते सर। दिखाइए ना फिर हमें। बिल्कुल सर, वाई नॉट सर। अभी आप देखेंगे सर मैं घूम नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना बैलेंस शो कराया है, आप खड़े हैं, टेबल पड़ी हुई है, मैंने किसी से टकराना नहीं है सर, सही है सर। सेकंड सर ये शो कराया है कि आप मुझे कोई न्यूज़पेपर देंगे या कोई ऐसी चीज़ देंगे खाने पीने की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी खा सकता हूँ। बैलेंस शो कराया है कि ना वो गिरेगी और आपके सामने मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ नॉर्मल इंसान की तरह, कोई करके तो दिखा दे, एक से दो मिनट कोई नहीं घूम सकता सर। अच्छा ये आपका सिलसिला कब से जारी है ये जो आप कर रहे हैं? सर ये बचपन की प्रैक्टिस कहूँगा मैं इसको, कि लेकिन ये कि इसको मैं मंजरेआम पे लाना नहीं चाहता था सर, लेकिन मेरे दोस्तों ने जब इस चीज़ को देखा कि नहीं यार जब गोरे अजीबोगरीब रिकॉर्ड बना सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम आ सकता है, तो तुम एज अ पाकिस्तानी एज अ मुसलमान घंटों का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं रखवा सकते? अच्छा यानी आपका कहना है कि आप घंटों तक इसी तरह घूम सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिमम टाइम तो मैंने एक घंटा बताया है, अगर कोई मेरे दुनिया में से कोई चैलेंज कबूल करता है इस चीज़ को तो फिर मेरे से मुकाबला कर ले सर। अच्छा बचपन से आप बता रहे हैं ये सिलसिला जारी? जी सर। अच्छा कभी आपको इससे कुछ आम इंसानों को तो जो है अगर थोड़ा सी देर भी एक मिनट भी अगर कोई इस तरह से करे तो चक्कर आ जाते हैं, आपको महसूस नहीं होता कुछ इस किस्म का? नहीं सर मैं एंजॉय महसूस करता हूँ उसको। अच्छा अच्छा आपने कहा कि आप अखबार पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर। और घूमते हुए तो ये जरा पढ़िएगा। एक्सप्रेस फैमिली फेस्टिवल का शानदार इख्तिताम, अवामी शिरकत की नई तारीख रकम, लाखों शहरियों की शिरकत, मिसाली नज्म व ज़ब्त, म्यूजिक कंसर्ट ने मेला लूट लिया, मजाया फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए, आतिशबाजी से आसमान रंगों से मुनव्वर हो गया। बहुत खूब। अच्छा ये मुझे बताइएगा जी सर कि ये जो सिलसिला है अगले हवाले से आप कोई रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं हुकूमत पाकिस्तान से खसूसी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हुकूमत से अपील करूँगा सर कि ये टैलेंट हो सकता है कि एक मजाक हो, लेकिन सर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने दुनिया को चैलेंज किया है सर, और दूसरा ये है कि अगर इस रिकॉर्ड के जरिए मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा दूं तो एज अ पाकिस्तानी सर एज हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा सर, हमारे कराची का नाम रोशन होगा सर। आपको इस तरह से देखकर जो है मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, आपको बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा? नहीं सर अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट हूँ। बहुत खूब। अच्छा ये मैं जरा कुछ आपको, ये हमारे पास मौजूद है, ये आपने कहा कि आप पी भी सकते हैं, जरा इसको पी। बहुत खूब, यानी कि आप जो है ये पी भी रहे हैं और इसको साथ साथ बैलेंस भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत खूब। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला जो है आप कह रहे हैं कि बचपन से जारी है, जी सर, इसमें आपको सबसे ज्यादा आपकी फैमिली में सपोर्ट किसने किया? क्या सर जो है घर वालों का क्या रद्द अमल था आपका इस? सर सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाई से मशवरा किया कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और इसको एज अ पाकिस्तानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना चाह रहा हूँ इस टैलेंट को, और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा इस चीज़ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम्हारी ये सोच है तो मैं आपके साथ हूँ कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहे हो, तो ठीक है आप जाके करवा सकते हो काम। अच्छा ये आप जो है इतने अरसे तक आपने कहा कि एक घंटे तक तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, तो घूमने के बाद भी आपको किसी किस्म के चक्कर या थकन का एहसास कुछ नहीं होता? नहीं सर अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं होता। खूब। अच्छा हम आपको कुछ खाने के लिए देते हैं, ये आप जरा खाइएगा। घूमते हुए आपको मतलब खुदा ना खास्ता जो है वो सांस की नाली में फंसने का फंदा लगने का कोई ऐसा आपको? नहीं सर। आप ये मुझे बताइएगा कि ये जो रिकॉर्ड है आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसको वो किया जाए, और यकीनन ये एक ऐसी एक अनोखी एक मुनफरिद सलाहियत आपके पास है, तो आपने कभी कोशिश की इस हवाले से उन लोगों तक जो है एक्सेस करने की? नहीं सर, होता ही है कि उनके जो बाहर के ममालिक में जो जर्मनी वगैरह इंग्लैंड वगैरह उनके जो नाम लिखवाए जाते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, उनकी मीडिया सपोर्ट कर रही होती है सर, उनकी हुकूमत सपोर्ट कर रही होती है सर, तो सर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं जाके खुद से उनको सपोर्ट करूं, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी सर। मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने इस टैलेंट को पहचाना सर। कभी ऐसा हुआ कभी इस हवाले से जो है ये करते हुए आपके साथ कोई वाकया, कोई खुशगवार नाखुशगवार इस तरह हुआ हो, खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा आप टकरा गए हो, कभी हुआ ऐसा? नहीं अल्लाह का शुक्र है सर, नहीं। ये तो खैर आपने जो मुझे स्पेस दी हुई है सर ये बहुत बड़ी है, मैं 4x4 के सर्किल के अंदर रह के घूम सकता हूँ, मैं सर्किल से बाहर भी नहीं निकलूंगा सर। बहुत खूब।
शुक्रिया सर। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो बिल्कुल मुझे लगता है थकावट का एहसास नहीं हो रहा है, इस तरह घूम घूम कर आप मुसलसल घूम रहे हैं, लेकिन आपको देख के मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। और हम इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।